الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
रब्बी शराहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उकदतम मिन लिसानी यफकहू कौली। रब्बी जिदनी इल्मन, रब्बी जिदनी इल्मन, अल्लाहुम्मा रब्बी जिदना इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु तक्कू रब्बकुमुल्लज़ी खलककुम। ऐ लोगो डर जाओ अपने उस अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कोलो जिन्ने तुहानु पैदा कीता। मिन नफ्सिं वाहिदा इकोई जान तो पैदा करना। वा खलक मिन्हा ज़ौजहा और फिर उन्हें जोड़ा जोड़ा बना देता है, जोड़ा जोड़ा पैदा कर देता है। वबस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसा और फिर बहुत ज्यादा मर्द और औरतानों अल्लाह ने फैला देता है। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। डर जाओ अल्लाह पाक दे कोलो अपने रिश्तेदारी दे मामला दे अंदर। कल कियामत दे दिन इहदे बारे सवाल कीता जाना। इन्नल्लाहा कान अलैकुम रकीबा। बेशक अल्लाह पाक दी जात पाक तुहाडे ऊपर निगहबान। हजरात हर किस्म दी तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक दी जात पाक वास्ते खास। जो खालिक मालिक राजिक और दस्तगीर अला कुल्ली शैइन कदीर है। दरूदो सलाम प्यारे आका अलैहि सलातु वस्सलाम के जिना जैसा ना आया ना आएगा ना रब सोने ने ऐसा सोना किसे नु बनाया ना कियामत तलक ऐसा सोना रब किसे नु बनाएगा। उस प्यारे आका दा नामे नामी इसमे गिरामी सब तो सोना सब तो प्यारा। थोड़ी जी आवाज खोलो जरा। सब तो अशरफ सब तो अकरम आला निराला बुलंदो बाला
मेरे और तुहाडे प्यारे आका जनाबे मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए मुकाम अल्लाह पाक दी सच्ची और सुची किताब कुरान पाक दा सिपारा चौथा सूरत दा नाम सूरा निसा सूरत दा इब्तदाई मुकाम गुज़श्ता खुतबा जुमा दे अंदर भी मैं इस हवाले नाल गोश गुजार कर रहा सा कि रिश्ते नाते ताल्लुक जो एक दुनिया दे अंदर अल्लाह पाक ने बनाए हुए ने ना ए अल्लाह पाक दी रहमत रिश्ते अल्लाह दी तरफों एक इनाम ही हर रिश्ता बड़े प्यार वाला बड़ी मोहब्बत वाला और बड़े एहसास वाला होना चाहिए। और रिश्ता अल्लाह पाक दी एक अजीम नेमत हुंदी क्योंकि माँ बाप दा रिश्ता एक अजीम नेमत परवरदिगार जिदी मिसाल कायनात विच नहीं मिलती। और इसी तरह माँ बाप वाले रिश्ते दे अलावा बेटी वाला रिश्ता है, बहन वाला रिश्ता है, बीवी वाला रिश्ता है, दीगर रिश्ते ये बड़िया मोहब्बतां वाले अपनी अपनी जगह बड़े प्यार वाले और हर रिश्ते दा मनसब अपना अपना हुंदा है। हर एक दा हक अपना अपना हुंदा है। और हर एक नूं ओदा हक देना चाहिए बंदा अपने हक दी रट लांदा है कि मैनू मेरा हक नहीं मिलता कदी ये भी सोचे कि मैं दूसरियां दा हक दे रहा मैं दूसरे रिश्ते जेड़े ने मेरे मैं उन्हां दा हक अदा कर रहा तवज्जो करना मेरे ते तुहाडे प्यारे आका जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक ने कुरान पाक मेरे पाक पैगंबर अली सलाम ते उतारिया और कुरान पाक दे अंदर अल्लाह पाक ने सारे मामलात बयान फरमाए सारे मसाइल बयान फरमाए और ओथे अल्लाह पाक ने रिश्तियां दे बारे भी बयान फरमाया। अल्लाह पाक फरमांदे ने या अय्युहन्नासु तक्कू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. फरमाया है दुनिया दे लोगो अल्लाह पाक दे कोलों डर जाओ जिन्ने तुहानू पैदा कीता है एक जान तो पैदा कीता है फिर अल्लाह पाक ने जोड़ा जोड़ा बना दिता है फिर अल्लाह पाक ने कई मर्द कई औरतां पैदा फरमाइया फिर अगे अल्लाह पाक फरमांदे ने वत्तकुल्ला हल्लजी तसालून बिही वल अरहाम अल्लाह पाक दे कोलो डर जाओ ए रिश्तेदारी दे मामला दे अंदर कल कियामत दे दिन एदे बारे तुहाडे कोलो सवाल कीता जाएगा वत्तकुल्ला हल्लजी तसालून बिही वल अरहाम ए रिश्तेदारी दे मामला दे विच कल कियामत दे दिन तुहाडे कोलो पुछे जाने ए की हक अदा कर दरिया मां बाप दा की हक अदा कीताई पैना दा की हक अदा कीताई परावां दा की हक देन दरिया ए मैं नहीं कहंदा कुरान कह रही है वत्तकुल्ला हल्लजी तसालून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह का अलैकुम रकीबा अल्लाह पाक तुहाडे उते निगेबान है रकीबा दा माना इंजी समझो कि ऐ कैमरा लगा है ना ते कैमरे दे अंदर मेरी ताड़ी एक एक नकलो हरकत आंदी है ना अल्लाह पाक दा कुरान आंदा है इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा अल्लाह दे कैमरे तुहाडे वल फिट ने तुहानू वेख रहे ने अल्लाह पाक तुहाडियां नकलो हरकतां नोट कर रहे ने एक एक तुहाडी नकलो हरकत ना नोट हो रही है ए आवाज साफ नहीं थोड़ी जी आवाज सही कर दियो आवाज दा शोर है आवाज थोड़ी खोलो ते शोर खत्म करो बेस बंद करो आ तवज्जो करना मेरे ते तुहाडे प्यारे आका जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका फरमांदे ने कल कियामत दे दिन तुहाडे कोलो सवाल कीता जाना है रिश्तियां दे बारे दे अंदर रिश्तियां दे मामला दे अंदर एदे बारे अल्लाह पाक दे कोलो डर दे रिया करो ए रिश्तियां दा मसला रिश्तेदारी दा मामला एदे विच अपने रब कोलो डर दे रिया जे इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा अल्लाह पाक तुहाडे उते निगेबान है रब वेख रिया जो जो तुसी कर रहे जे अल्लाह दी नजर तो छुप नहीं जे सकदे रब तुहानू वेख रिया तुहाडी एक एक हरकत नकलो हरकत अल्लाह पाक वेख रहे ने रब पुछनगे की कीताई की हक अदा कीताई अगर जे नहीं समझ आई ते तवज्जो करना गौर करना मेरे ते तुहाडे प्यारे आका जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने रिश्तियां दे दरमियान यानी मोहब्बत किंज वध सकदी है मेरे आका ने ओह वी तरीके दसे कि इन तरीकियां दे मुताबिक अमल करोगे ते तुहाडे
ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਕਈ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸੇ, ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਆਕਾ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਫਸ਼ੁਸ ਸਲਾਮ, ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਲਾਮ ਲਵੋਗੇ ਇਹਦਾ ਮਾਨ ਹੈ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਦੁਆ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਆਨਾ ਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ, ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ, ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੀ, ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੀ, ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਦੁਆਇਆ ਜੁਮਲੇ ਸਲਾਮ ਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਆਕਾ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਲਿਓ, ਸਲਾਮ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਤਾ ਜੇ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਨੁਸਖਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਲਵੋਗੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾ ਦੇਣਗੇ, ਅੱਲਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਖੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੱਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਤਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਹੀ ਇਹ ਵੇ, ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਯੂਹੰਨਾਸ, ਐ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਇਹ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਖਾਤਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਅਯੂਹੰਨਾਸ, ਐ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਆਕਾ ਦਾ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਏ, ਪਹਿਲੇ ਖੁਤਬੇ ਦਾ ਕੀ ਐਲਾਨ ਏ, ਮੁਹੱਬਤ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਾ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਏ, ਅਫਸ਼ੁਸ ਸਲਾਮ, ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਇਹ ਸਲਾਮ ਆਮ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੂਰਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਖੁਤਬਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਖੁਤਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੁਮਲਾ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਅਫਸ਼ੁਸ ਸਲਾਮ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਵਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦੇਵੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ
अस्सलामु अलैकुम किया करो, अस्सलामु अलैकुम किया करो। सलाम दी दुआ दुआया जुमला भी है और एदे नल दुआ भी तुहाडे बारे हो जाएगी। एक दूजे दे बारे दुआया जुमला भी बोल लवोगे और दूजे नंबर ते तुहाडे दिलां दे अंदर प्यार भी वध जाएगा। तवज्जो करना, गौर करना, मेरे ते तुहाडे प्यारे आका ने दूजा नुस्खा की दसी है। मेरे आका फरमांदे ने अत ही मुत्ताम, जिदे नल फिर सलाम ले लवो, जिदे नल प्यार वध जाए, जिदे नल ताल्लुक बन जाए, जिदे नल रिश्तेदारी बन जाए। मेरे आका फरमांदे ने एक दूजे दियां दावतां भी करिया करो, एक दूजे नू खाने ते भी बुलाया करो। मेरे आका ने दूजा नुस्खे मुहब्बत वधान दा, रिश्तेदारी दी अंदर प्यार वधान दा। मेरे आका फरमांदे ने अत ही मुताम, आपस विच एक दूजे नू खाना भी खिलाया करो, एक दूजे दी दावत भी करिया करो। अगर नहीं समझे ते आओ जरा तवज्जो करना, मेरे आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा मुसलमान भाई, मुसलमान भाई दी दावत करदा है, हदीस अंदर बात मौजूद है। मेरे आका फरमांदे ने ए अपने मुसलमान भाई नू दावत देंदा है खाने दी, ते ए आ जांदा है ते आके एदी दावत कबूल करदा है, खाना खांदा है। मेरे आका फरमांदे ने अल्लाह एदी बरकत दे नाल इन्हां दे दिलां अंदर मुहब्बतां वधा देंदे ने, प्यार वध जांदा है, मुहब्बत वध जांदी है। अगर अजे नहीं समझे ते आओ जरा तवज्जो करना, तीसरा तरीका मुहब्बत वधान दा। मेरे आका फरमांदे ने वासिलुल अरहाम, आपस विच सिला रहमिया करिया करो, आपस विच एक दूजे दे दुख दर्द दे विच शरीक होया करो। और जेड़ा बंदे दे दुखी वक्त दे विच, मुश्किल वक्त दे विच जेड़ा साथ देवे, ओ बंदा कदी भुलदा नहीं, ओदे नल प्यार हो जांदा है, ओदे नल मुहब्बत वध जांदी है। ए तरीका तीजा नुस्खा जेड़ा है मुहब्बत वधान दा, वासिलुल अरहाम। आप फरमांदे ने आपस दे अंदर सिला रहमिया करिया करो, एक दूजे ना हमदर्दियां करिया करो, एक दूजे दी खैर खाई करिया करो, एक दूजे दे औखे सौखे वेले कम आया करो। ए तीजा नुस्खा है, एदे नल मुहब्बत वध दी है, प्यार वध दे। ए मैं नहीं कह रहा, मेरे आका फरमा रहे ने, आओ जरा तवज्जो करना, गौर करना। ए नुस्खे प्यार वधान दे, मुहब्बत वधान दे। और मैं कुर्बान जावा, सदके जावा, मेरे ते तेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा अपने मुसलमान भाई दे काम दे विच जिन्नी देर तक मसरूफ रहिंदा है, जिन्ना अपना वक्त अपने मुसलमान भाई दे वक्त दे अंदर, यानी ओदी कोई मुश्किल बनी है, ओदी कोई परेशानी बनी है, ओदे विच बंदा ओना वक्त जिन्ना देंदा है। आका फरमांदे ने ओनी देर अल्लाह दे फरिश्ते एदे लई दुआए रहमत करदे रहिंदे ने, यानी फरिश्ते दुआवां करदे ने। यानी ए आम मुसलमान बंदे दे नाल औखे वेले मुहब्बत करना, ओदे नाल हमदर्दी करना, ओदे दुख दे अंदर ओदा मदावा, ओदा साथी बनना, ओदा गमखार बनना, एदे नाल ए फायदा है। और मेरे आका फरमांदे ने इत्थे ही बस नहीं, अल्लाह एदे दिल दे अंदर ते एदी मुहब्बत डाल देंगे। यानी जेड़ा बंदा दूजे दे दुख दे अंदर ओदा दा साथी बनदा है, ओदा दुखी साथी बनदा है, दुख वडांदा है, गमखार बनदा है। मेरे आका फरमांदे ने
ने अल्लाह इन्हां दोवां दीआं मुहब्बतां दिलां दे अंदर पक्कियां फरमा देंदे ने। ऐ मुहब्बत वधाउण दे तरीके और रिश्ते रिश्ते नाते जेड़े ने ये ऐसा ताल्लुक समझ आ रहा है। अल्लाह दा कुरान ते नबी दा फरमान ए समझा रहा है कि रिश्तेदारां नाल मिलदे रहना चाहिदा है, इन्हां नाल नफरतां नहीं वधानियां चाहीदियां, इन्हां तो दूर नहीं जाना चाहिदा, रिश्तेदारां दे नाल मुलाकात करदे रहना चाहिदा है। ये अल्लाह दे कुरान दा ते नबी दे फरमान दा ये सानू तालीम ते तरबियत मिल रही है कि रिश्तेदारां दे नाल मुलाकात करिया कर, अपने रिश्तेदारां दा ख्याल रख, खैर खाई करिया कर, हमदर्दी करिया कर, सिला रहमी करिया कर। अगर अल्लाह पाक ने तेनू ऊपर वाला मर्तबा दे दिता है ते अपने माड़े रिश्तेदार दे नाल कम आया कर। ओए कुरान पाक खोलना, अल्लाह दी कसम ए, ओए किसे अल्लाह दे राह दे विच जदों तू खर्च करन लगना ते कुरान ने रहनुमाई की दी है। कुरान आंदा सब तो पहला तेरे करीबी रिश्तेदारां दा हक ए, वज़िल कुरबा वज़िल कुरबा। आओ सुनो जरा तवज्जो दे नाल, अल्लाह दा कुरान समझो ते गौर करो। अल्लाह पाक फरमा रहे ने सपारा पहला जे, अल्लाह करीम की फरमा रहे ने, आवाज आउंदी है वा इज अखज़ना मीसाका बनी इसराइल ला तअबुदूना इल्लल्लाह वा बिल वालिदैन इहसाना वा ज़िल कुरबा। वेख ले तवज्जो दे नाल अल्लाह दे कुरान दे अल्फाज कलिमात सुन ले ते समझ ले, एदे ते गौरो फिकर कर ले। अल्लाह पाक फरमांदे ने बनी इसराइल कौम एक दुनिया ते गुजरी है। अल्लाह पाक कहंदे ने असी उन्हां कोलों वादा लिया, की वादा, ला ताबुदूना इल्लल्लाह, अल्लाह दे अलावा किसे दी इबादत ना करिया जे। ऐ पहली कौम बनी इसराइल गुजर चुकी, उन्हां कोलों ए वादा लिया। अल्लाह पाक ने ए ही वादा उम्मत मुस्तफा दे कोलों, यानी पहलियां उम्मतां उन्हां कोलों भी ए वादा। नबी पाक अली सलाम ने भी फरमाया है अल्लाह पाक दी इबादत करिया करो, ए वादा लिया गया है। और नंबर दो, अल्लाह दी इबादत दे बाद किदा हक है, अल्लाह दा कुरान दसदा जे वा बिल वालिदैन एहसाना। ऐ मां बाप दा रिश्ता मामूली रिश्ता समझना है, अल्लाह ने अपनी इबादत दा मसला दस गए, अपनी बंदगी दा मसला दस गए, अपनी इबादत दा मामला बयान कर गए। अल्लाह ने तालीम दिती है, तरबियत दिती है, सबक दिता है, दरस दिता है। आका फरमांदे ने वा बिल वालिदैन एहसाना, अपने मापियां दे नाल एहसान करिया कर, नेकी करिया कर, अच्छा सलूक करिया कर। अपने मापियां दे नाल एहसान दा मान है हमदर्दी करिया कर, एहसान दा मान है खैर खाही करिया कर, एहसान दा मान है एक दूजे दे नालों पढ़ के मापियां दे नाल कम आया कर, एहसान दा मान है कि नेकी करके खिदमत करके उन्हों जतलाया ना कर, एहसान दा मान है नेकी करके ते मां बाप दे नाल एहसान करके मां बाप दे कम आके ओ लोगां दे अंदर बयान ना करिया कर। एहसान दा मान है कि नेकी कर दरिया में डाल। आ तवज्जो करना, अर्ज करना चाहना, अल्लाह ने रिश्तियां दे विचों सब तो पहला ताल्लुक जेड़ा है रिश्तियां दे विचों, सब तो पहला मुकाम जेड़ा है, सब तो
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਵਾਬਿਲ ਵਾਲਿਦੈਨ ਇਹਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਰਹੀ ਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਬੜੇ ਇਹਤਰਾਮ ਵਾਲਾ ਬੜੇ ਅਦਬ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰੀਏ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਦਾ ਮੁਕਾਮ ਏ ਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਦਾ ਦਰਜਾ ਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਆਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਜ਼ਿਲ ਕੁਰਬਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਯਾਨੀ ਅੱਬੂ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅੰਮੀ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੱਬੂ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਯਾਨੀ ਬਾਪ ਦਾ ਭਾਈ ਏ ਚਾਚਾ ਏ ਇਹ ਤਾਇਆ ਏ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਬਰਾਦਰੀ ਸਮਝ ਲੈ ਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਜ਼ਿਲ ਕੁਰਬਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਏ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਾਬਤਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਏ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਇਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੂਸਰਾ ਮੁਕਾਮ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਸਪਾਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਹੁਣ ਸਪਾਰਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਅਬੁਦੁੱਲਾ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਵਾਅਬੁਦੁੱਲਾ ਵਲਾ ਤੁਸ਼ਰੀਕੂ ਬਿਹਿ ਸ਼ਈਆ ਇਬਾਦਤ ਕੱਲੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਿਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਹੈ ਮੱਥਾ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਇਆ ਕਰੋ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਝੁਕਾਇਆ ਜੇ ਹੈ ਮੱਥਾ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਇਆ ਕਰੋ ਹਜਰਾਂ ਸ਼ਜਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਝੁਕਾਇਆ ਜੇ ਵਾਅਬੁਦੁੱਲਾ ਇਬਾਦਤ ਕੱਲੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਵਲਾ ਤੁਸ਼ਰੀਕੂ ਬਿਹਿ ਸ਼ਈਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਰੱਬ ਔਲਾਦਾਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜੇ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਔਲਾਦ ਮਿਲਦੀ ਏ ਇਹ ਸ਼ਿਰਕ ਏ ਸ਼ਰੀਕ ਦੇ ਰਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਆਉਂਦਾ ਵਲਾ ਤੁਸ਼ਰੀਕੂ ਬਿਹਿ ਸ਼ਈਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਲ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਅਹਦ ਅੱਲਾਹ ਸਮਦ ਲਮ ਯਲਿਦ ਵਲਮ ਯੂਲਦ ਵਲਮ ਯਕੁਲ ਲਹੂ ਕੁਫੂਵਨ ਅਹਦ ਅੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਏ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਮਸਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਮ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਏ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਏ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਏ ਤਰਬੀਅਤ ਏ ਦਰਸ ਏ ਸਬਕ ਏ ਤਾਲੀਮ ਏ ਤਰਬੀਅਤ ਏ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਸਮਝਣਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਵਾਅਬੁਦੁੱਲਾ ਵਲਾ ਤੁਸ਼ਰੀਕੂ ਬਿਹਿ ਸ਼ਈਆ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਰਾ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾ ਬਿਲ ਵਾਲਿਦੈਨ ਇਹ
एहसान। गल इत्थे भी अल्लाह दी इबादत दे बाद मां बाप दा हक ए, रिश्ता वालिदैन दा ए, बड़े मुहब्बत वाला बड़े एहतराम वाला ए, बड़े अदब करिया कर इस रिश्ते दे। अल्लाह ने अपनी इबादत दे मसले दे नाल ही मां बाप दे नाल नेकी दा हुक्म दित्ता। गल इबादत दी हो रही सी ते गल अल्लाह ने अपनी इबादत दे नाल ही मां बाप दे नाल एहसान दी ए तलकीन फरमाई है, तालीम दिती है। ते गल समझ आनी, गल समझिया नहीं थी, आ मैं तेनू समझावा। मैं मुफसिरीन दिया किताबां दे अंदर पढ़िया है, आइमाए तफासीर लिखन वाले, तशरीह तफसीर लिखन वाले, उन्होंने लिखी है ए अल्लाह ने अपनी इबादत दे मसले दे नाल मापियां दे रिश्ते दे एहसान दा क्यों हुक्म दिता। पता जे वजह की है, मोटी जी बात ते सीधी जी ते सिंपल जी बात, सादा जी बात। अल्लाह पैदा करन वाला है ते मापे दुनिया ते आन दा जरिया बनन वाले नू, अल्लाह पैदा करन वाला है बनान वाला है ते मापे दुनिया दे आन दा जरिया बनन वाले ने। उन्हें पैदा कीता, उन्हें नक बनाया, मुंह बनाया, मत्था बनाया, ए दंद दिते, अखां दे मोती लाए, ए कन कन्ना दे आले समात वास्ते रख दिते, जुबान बोलन वास्ते रख दिती, हाथ पकड़न वास्ते रख दिते, पांव चलन वास्ते रख दिते, ए हेड बना के दिमाग ए उपर रख दिता कि एदे नल पहला सोचिया कर फिर कदम उठाया कर। ए हेड पूरे जिसम दा, ए दिल दिमाग हेड पूरे जिसम दा, बंदिया एदे नल पहला सोची ए सर उत्ते लगाया, एदे नल सोची ए सर उत्ते क्यों वे, एदे ते भी कदी गौर करी ना। ए सर नीचे भी हो सकदा सी, कदम उपर हो सकदे सन। अल्लाह पैदा कर सकता है, अल्लाह तखलीक कर सकता है, ए सर ऊपर क्यों वे, पांव नीचे क्यों वे। अल्लाह ने इसलिए दसिया वे कि जदों नमाज पढ़ना ए सेरिए ना तेरा सब तो उपर, ते ए ओदी जात दे अगे रखी जेड़ा सब तो उपर, ओदी जात दे अगे रखी जेड़ा सब तो उपर है। तेरा सर भी उपर है, ओदे दर ते रखी जेड़ा सब तो उपर है, जेड़ा कबरां दे उपर जाके सर जकांदा है, उनू पता ही नहीं कमले नू कि अल्लाह ने इंसान बनाया है। एदी तखलीक जेड़ी है, ए भी एदी तखलीक भी ए दोस्ता तेरे अगे मुदावा कर रही है, सवाल कर रही है, सवालिया निशान बन रही है कि बंदिया सर भी उत्ते ही इसलिए उत्ते वे कि ए उच्चे अगे रखना है, नीवी अगे नहीं रखना, ए ओदी अगे रखना है। ते कुरान भी कह रही है ते नबी पाक दा फरमान भी कह रहा। गल दूर ना चली जाए, गल समझाना चाहना। अल्लाह ने रिश्तियां दे विचों मापियां दा रिश्ता अपनी इबादत दे बाद पहला जिक्र कीता है, और एदे नाल ही एदे बाद एदे नाल ही अल्लाह पाक फरमांदे ने वाबी जिल कुरबा, पंजवां पारा, पंजवां पारा, वाबी जिल कुरबा। मां बाप तो बाद करीबी रिश्तेदारां दे नाल एहसान करिया जे, करीबी ताल्लुक वालियां दे नाल। करीबी केड़े ने, यानी बाप दी तरफों ते मां दी तरफों एक रबदारियां ने, ए कोई बाप वल्लों ते कोई मां वल्लों, ए नानके ते दादके, ए करीबी ताल्लुक है ना एक रबदार ने ना। अल्लाह पाक कहंदे ने मां बाप दे बाद पहला करीबी
बीबिया का हक है सदका बार जाके करना कदी अपन ते करें अल्लाह की कसम है करीबी रिश्तेदार अगर सदका करेगा मैं कोलों नहीं गल कर लगा हदीस पाक की रूह दे नाल गल करना मेरे आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा अपने करीबियां ते खर्च करदा अल्लाह दी राह विच देंदा बार अल्लाह सिंगल अजर देगा ते रिश्तेदारां करीबी रिश्तेदारां दे विच बंदा अल्लाह दी राह विच देवे अल्लाह अजर भी दोहरा दे देंदे ने। गल करीबी रिश्तेदारां दी है ताल्लुक वाले रिश्ते इन्हां नाल नफरत ना करिया कर मुहब्बत करिया कर अल्लाह दी कसम है कुरान पाक ने नफरत दूर कीतियां ने मुहब्बत पैदा फरमाइयां ने। अगर गल समझ नहीं आई ते आ जरा तवज्जो कर मेरे ते तेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुस्खे दसे कई ऐसे नुस्खे एदी भी जरूरत है मुआशरे दे अंदर अज मैं इसलिए बयान करना चाहना ए पहलू बदल के रिश्तेदारां दे हक रिश्तेदारां दे हकूक ए ते सुनदे ही रहिंदे जे मैं अज रिश्तेदारां दे विच मुहब्बत किंज पैदा होंदी है ओ तरीके दस रहा आ जरा तवज्जो करना मेरे आका हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह ताला नो फरमांदे ने हदीस सही बुखारी अंदर मौजूद है हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह ताला नो फरमांदे ने कि मेरे पाक पैगंबर अली सलातु वसलाम अपने घर विचों निकले ते आका घर विचों निकल के ते मैं कुर्बान जावा अपनी बेटी दे घर गए ने सैयदा फातिमा दे घर गए ने तालीम दिती जा रही है तालीम दिती जा रही है के तियां विआ दईए ते तियां नू भुला ना दिया करो तियां दे घर विच जाना मेरे नबी दी सुन्नत है बेटी दे घर विच मेरा सोना चल के गया है मेरा नबी चल के गया अपनी बेटी घर चल के गया है। हजरत साल बिन साद रजी अल्लाह ताला नो फरमांदे ने आका अपनी बेटी दे घर आए ते आका ने की वेखिया है पता लगा हजरत अली नाराज हो के ते घर विचों चले गए ने। तवज्जो करी मुसलमान वीरा रिश्तियां दे विच मुहब्बत किंज वधेगी ए तरीके समझ के लै जा मेरे आका आए पता लगा कि अली नाराज हो गए अपने घर विचों निकल गए ने ते बाहर चले गए ने पता नहीं किधर चले गए ने सदके कुर्बान जावा हजरत साहल बिन साद फरमांदे ने कि आका नू पता लगा ते आका फरमांदे ने बेटी तू ठहर जा मैं आप जाके अली नू लब के लियाना वा हालांकि आका पीरो मुर्शद ने आका दुनिया दे आका ताजदार ने सरकारे दो जहां ने मनसब बड़ा उच्चा मेरे नबी दा मुकाम बड़ा उच्चा मेरी सरकार दा रुतबा बड़ा उच्चा अल्लाह ने नबियां दा भी सरदार बनाया अल्लाह ने दुनिया आखरत दे अंदर मेरे नबी नू बड़िया शाना ते अजमत अता कीतिया सैयद वुल्दी आदम बनाया सारी औलादे आदम दा सरदार मेरा सोना नबी बन के आया ए शाना ने ए मनसबे ए मेरे नबी दा मुकाम है। पर अल्लाह दी कसम जे तवज्जो करना वालिदैन तवज्जो करना आका ने अपना मनसब नहीं वेखिया कि मैं सैयद वुल्दी आदम हाँ आका ने अपना मनसब नहीं वेखिया कि मैं खाता मुल अंबिया वा आका ने अपना मनसब नहीं वेखिया कि मैं रहमतुल लिल आलमीन आका ने अपना मनसब नहीं वेखिया कि मैं ते खुल्के अजीम दा पैकर मालक बन के आया। पर मेरे नबी अली सलाम ने आप निकले ने ए भी नहीं आखिया हालांकि इंज भी कह सकदे सन अपने सहाबी नु कह सकदे सन जा सहल मेरे प्यारे सहाबी अली नु
लभ करके घर विच लियाओ ना, अली नू मेरे कोल लियाओ ना। ए वी ते जुमला मेरे नबी बोल सकदे सन, पर रिश्तियां दे अंदर मुहब्बत किंज वधदी ए, नफरत होवे ते मुहब्बत किंज हुंदी ए। मेरे आका ने तरीका दसिया, आप कोल नहीं बुलाना चाहिदा बल्कि चल के जाना चाहिदा। ए नुस्खा जे हदीस दी रूह दे नाल ए तुहाडे सामने दस रिया। बुखारी दी अंदर रिवायत मौजूद है, मेरे आका चले ते आका लब दे मस्जिद नबवी विच आए। मस्जिद नबवी दा कच्चा सेने, हजरत अली जमीन ते लेटे ने, ते हदीस अंदर बात मौजूद है, प्यारे अली दे जिस्म तो कपड़ा हटिया है ते जिस्म दे उत्ते भी मिट्टी लगी हुई है। वेख ते सही ना, प्यारा अली नाराज होया फातिमा दे नालों, ते शिकायतां नहीं लगाइयां। सुनी जरा, एक तरफा नहीं दो तरफा बात करा, शिकायत नहीं लगाइया। ऐ तुहाडी धी इंज दी ऐ ते आके नू समझाओ या आके नू ले जाओ। ए वी जुमले प्यारे अली ने नहीं बोले, नाराज हो गए ते घर चो बाहर गए ने, ते बाहर भी बाजार अंदर नहीं बल्कि अल्लाह दे घर विच गए ने। घर भी ओ जिन्नू लोग तरसदे ने, अल्लाह मस्जिद नबवी दा दीदार करवा देवे। अल्लाह ले जाए सबना नू, मालिक बार बार ले जाए। ते अल्लाह दी कसम है, प्यारे अली जमीन ते लेटे ते जिस्म ते मिट्टी लगी है, ते मेरे आका आप चल के प्यारे अली दे कोल चले गए, ते जाके ए नहीं आखिया अली मैं तेरा पीर आया, ए नहीं आखिया अली मैं तेरा मुर्शद आया, ए नहीं आखिया प्यारे अली मैं तेरा आका आया, ए नहीं आखिया। ए अपने मनसब अपनिया शान अपना वकार ओ नहीं समझाया, ओदा ते प्यारे अली नू पता ही है, ओदियां ते तालीमा प्यारे अली नू है ही ने। आका की फरमांदे ने, आका कहंदे ने कुम या अबा तुराब, चेहरा तबसुम फरमा रहे है, चेहरा मुस्कुरा रहे है, नफरत नहीं मेरे नबी ने भी की थी। आका ने गुस्से दे नाल मत्थे ते त्योड़ियां नहीं पाईया। ओए मुहब्बतां किवें वधदियां ने, ऐ नुस्खे समझ लो। इधरों बेटी ने दसिया घर विच मियां रंजशां हो ही जांदियां ने, नाराजगियां हो ही जांदियां ने। दुनिया च रहिंदियां सियाने आंदे ने, भांडे खै ही पेंदे ने, गल्लां हो ही जांदियां ने। ते तुसी भी सुन के एवें मत्थे ते त्योड़ी ना पा लिया करो, पहले ही घर दे विचों अपना माइंड जेड़ा गुस्से वाला ना कर लिया करो, अपना रवैया गुस्से वाला तलखी वाला ना बना लिया करो। बल्कि मेरे नबी दी तालीम तो पता चलदा है कि बेटियां इंज वसदियां ने, अगर नाराजगी होई है ते ए नहीं सुनी अनसुनी कर दवो कि ओना दा मसला है, ओना दा ही नहीं बल्कि ए तुहाडा भी मसला है। सुनी अनसुनी भी नहीं करनी चाहिदी। और आका की फरमांदे ने कि नाराजगी होई है ते इहदे विच देर ना लगाओ, जल्दी सुलह कराओ, जल्दी सुलह कराओ। सुलह दे नाल मुहब्बतां वधदियां ने, नाराजगी दे नाल रंजशां वधदियां ने। ए मेरे आका आ गए प्यारे अली दे कोल, आखिया कुम या अबा तुराब, चेहरा तबसुम फरमांदे है अली उठो। अली उठे ते अल्लाह दी कसम है प्यारे अली नू आका लेके घर गए ने, ते मेरे नबी पाक ने ऐसा दर्स ऐसी तालीम ऐसी अंदाज ना समझाया सिखाया। बेटे अली नू उतर, अपनी बेटी फातिमा नू तालीम अखलाक दी दिती है, किरदार दी दिती है, सोने तरीका कार दी दिती है। अल्लाह दी कसम है हदीस दे अल्फाज गवाह ने के प्यारे नबी दे समझान दे बाद अली ने कोई ऐसा जुमला बोलिया ही नहीं कि जिदे नाल प्यारे नबी नू ते सैयदा फातिमा नू तकलीफ हुई हो। गल एवे असी आने आओ चल धीए नाराज होया चला गया ना,
चल मैं कदे आ साडे घर चली जा, घर लैके आना तियां वसदियां नहीं, रंजशां वधदियां ने। मेरे नबी दी तालीम तरबियत तो पता चलदा कि नाराजगी खत्म करो ते आपस च मियां बीवी नूं सुलह करवा देवो, नाराजगियां खत्म करा देवो। ते आका घर नहीं लैके आए, बेटी फातिमा नूं घर भी ले आ सकदे सन, आका सहाबा दे अंदर अली नूं समझा भी सकदे सन, पर आका ने घर दे अंदर जाके अली बार ने घर विच ले जाके एक जगह दे उपर बैठ के तरीके दे नाल समझाया। गल की सी, गल ये सी कि हजरत अली आंदे सन मैं शादी करना चाहना, काफर दी बेटी सी, ते सैयदा फातिमा आंदियां ने आका दी बेटी होवे, नबी दी बेटी होवे रिश्ते दे अंदर, ते उत्थे ही नाल काफर दी बेटी नूं तुसी अपने निकाह विच लियाओ, ते मैनू ये गल वारा खांदी, मैनू नहीं ये गल वारा खांदी। सैयदा फातिमा तो जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आखरी वक्त जिदो पता चल गया कि मैं इंज लगदा दुनिया तो जा रही हां, ते सैयदा फातिमा खुद आंदियां ने प्यारे अली मैं दुनिया तो चली जावां, मैं आखर दुनिया तो बंदा जांदा ही है ना, रहना ते किसे नहीं, मैं चली जावां। ते सैयदना अली ऐ मेरे सरताज अली, मेरे बाद अगर तुसी शादी करनी होवे ते उमामा नल कर लेना। उमामा कौन है वाला? सैयदा जैनब दी बेटी है, यानी सैयदा फातिमा दी बड़ी बहन सैयदा जैनब है, उन्हां दी बेटी है उमामा। ते फरमा रही ने हजरत फातिमा, कह रही ने मैं दुनिया तो लगदा जा रही हाँ, अयाम इंज दे, हालात इंज दे, तरीका कार इंज दे नजर आ रहे ने। गल एवे प्यारे अली, अगर शादी करनी है मेरे बाद ते इंज करना, ओ नाराजगी जेड़ी हुई सी ना, ओ शादी करन दे हवाले ना के काफर दी बेटी है। हजरत फातिमा ने ए नहीं रोकिया के शादी ना करो, आख्या काफर दी बेटी दे नल शादी नहीं हो सकती, इधर नबी दी बेटी होवे उधर काफर दी बेटी, दुश्मन दी बेटी होवे मेरे अबू जान दे दुश्मन दी बेटी, ते काफर दी ते मुसलमान दी एक ए काम नहीं, शादी तो नहीं रोकिया, गल ए कीती है कि काफर दी बेटी। फरमांदियां ने मेरे बाद अगर शादी करनी, फिर अली ने सारी जिंदगी सैयदा फातिमा दी जिंदगी विच शादी और नहीं कीती, दूजी नहीं कीती। ते जदों सैयदा फातिमा वफात पाई है ना, उहदे बाद प्यारे अली ने और शादियां कीतियां ने, शादी नहीं शादियां कीतियां ने, लेकिन सैयदा दी जिंदगी अंदर फिर दोबारा ये नौबत नहीं आई नाराजगी ते गुस्से वाली, रंजिश वाली, क्योंकि सुलह करवाई है मुहम्मद मुस्तफा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका खुद चल के गए ने, ऐ नहीं सोचिया कि मैं नबियां दा नबी हाँ, मेरा मुकाम है, असी अपने मुकाम वल वेंदे रह जाने हैं, उधर रंजिशा होंदिया ने असी अपनी ना वल वेंदे हैं, मर्तबे वल मत वेखो। मैं पूछना चाहना नबी पाक तो बढ़ के शान की दाए किसे दा भी नहीं, ते जेड़ी बेटी है सैयदा फातिमा ए जन्नती औरतां दी सरदार है, ओए एदे तो मर्तबा केड़ी औरत दा ज्यादा, सुनना ए जन्नती औरतां दी सरदार, मेरा आका नबियां दा सरदार, हसनैन करीमैन जन्नती नौजवान दे सरदार, ए इन्ना आला घराना
इना आला घराना पर मेरे आका ने अपनी अना नहीं वेखी अपना मनसब नहीं वेखिया आप चल के गए ने ते मैं अल्लाह दी कसम जे मिंबरे रसूल ते खड़ा मैं अपनिया अखा दे नाल कई ऐसे मंजर वेखे ने जवाई जेड़ा दमाद जेड़ा है वो इंज करके हाथ जोड़ के भी माफिया मंगदा है पर ए आंदे ने असी धी तोरनी नहीं वो इंज करके भी माफिया मंग के खड़ा है पर मेरे नबी ने ए तालीम नहीं दीती मेरे आका ने ए दर्स नहीं दिता के जवाई आके इंज माफिया भी मंग रहा है ते फिर भी तुसी अपनी बेटी वसान ते तैयार नहीं। मैं मुआशरे दी बात करना मुआशरे दे अंदर भी सी ऐसे मामलात मैं अखा नाल वेख चुका के जवाई ते दमाद आके हाथ बन के माफी भी मंग रहे हैं ते आंदे ने नहीं ओ तोरनी इंज नहीं तोरियां जांदियां इंज मुहब्बतां नहीं वधदियां रंजशा ते नफरतां वधदियां ने मुहब्बतां किंज वधदियां ने जेड़ा तरीका मेरे नबी दा ओही अपनाया जाए क्योंकि कुरान कहंदा है प्यारे नबी दी जिंदगी तुहाडे लई उसवा है तुहाडे लई नमूना है मेरे नबी दे तरीके वल वेंदे जाओ ते जिंदगी गुजार दे जाओ। आओ गल मुकदी मुकावां गल करीब लगावां तवज्जो करना गौर करना ए ते रिश्ता प्यारे नबी अली सलाम दी बेटी दा ते नबी पाक ने अपनी बेटी नो वसान दे तरीके दसे ते आका ने तमाम उम्मते मुस्लिमां दे तरीके दे हवाले नाल भी बयान फरमा दिता तियां इंज वसाइयां जांदियां ने घर विच नहीं बिठानियां चाहीदियां बल्कि सुलह करवानी चाहीदी है रंजश खत्म करवानी चाहीदी है। और दोस्ता तवज्जो करना गौर करना हदीस पाक दे विचों ए नहीं मिलेगा प्यारे अली कोलो माफी गे दुआई होवे प्यारे अली ने हाथ जोड़ के माफिया मंगिया हो मेरे नबी ने इस मामले दे अंदर नहीं आए इस नौबत दे अंदर आन ही नहीं दिता ए तरीका ए कार इख्तियार करन ही नहीं दिता। आओ जरा तवज्जो करना गौर करना मेरे ते तुहाडे प्यारे आका अली सलाम ने फरमाया है लोगों तुसी ते मैं अपने सकियां दा इन्ना एहतराम नहीं करदे जिन्ना एहतराम मेरे नबी पाक ने अपनी रजाई दूध दी भैन छीमा दा कीता है। कैदी गजवाए हुनैन दे 6,000 कैदी आए कैदी बनाए बन्ने ने जकड़े ने ते इधरों शीमा आ गई हलीमा सादिया दी बेटी ते नाल हुनैन दे लोग ने आए ने के तेरा वीर तू जवानी है मेरा वीर ते वीर केवे तेरी गल नहीं मनेगा जाके कह दे सही ना ते आ गईए आंदिए सहाबियो आपने पीरो मुर्शद नाल मेरी मुलाकात करवा देव और जाते सियाबा आंदे ने बीबी साडा नबी गैर महरमा नू मिलदा साडा नबी नहीं मिलदा अहे मुलाकात ते करवाओ गल बात सामने रखी जाएगी सामने आ जाएगी ते आगे मुलाकात करवा दीती ते नबी पाक ने वेखिया बड़ी देर बाद मुलाकात होई ते मुलाकातां हो गईयां गल्लां रखियां गईयां खुलासा कलाम वे गल मेरे आका ने वेखिया ना के शीमा है मेरी रजाई भैन है ते मेरे आका ने अपनी कमली मुदस्सरो मुजम्मिल कुरान जिदा तज़करा करे ओ चादर जिदी चादर दा मोली कोई नहीं तेरियां बेडशीटा तेरियां घर दे अंदर कंबल ओना दे ते मोल ने ना या अय्युहल मुदस्सिर ते मुजम्मिल एदा ते मोली कोई नहीं एदी कीमती कोई नहीं इनी कीमती चादर है मेरे आका ने इंज उतारी ते जमीन ते विछा दिती मेरे आका फरमांदे ने ऐ मेरी भैन तू एदे उत्ते बह जा मेरे आका नीचे बैठे
ने ते अल्लाह दी कसम दसिया जा रहा है लोगों नूं समझाया जा रहा है दुनिया वालिया नूं के रिश्ते रजाई होन या हकीकी होन तू ते हकीकी भैणां दा अदब नहीं करदा इज्जत नहीं करदा उन्हां दा एहतराम नहीं करदा उन्हां नाल प्यार नहीं करदा तू ते उन्हां दे हकां ते डाके मार जांदा तू ते सकियां भैणां दे हक मार जांदा खा जांदा पर मेरे नबी अली सलाम दी तालीम ते तरबियत वेख आका अली सलाम दी मुहब्बत वेख रिश्तियां दा एहसास वेख रिश्तियां नाल प्यार दा अंदाज वेख रिश्तियां दे नाल वफा दा तरीका कार वेख रिश्तियां दे नाल एक मुहब्बत दी परीत दी लगन ते सोच ते ए मुहब्बत वेख मेरे आका कहंदे ने भैने तू एदे उपर बह जा मैं नीचे बैठ जाना ए अंदाज अपना के ते कमली वाले ने दसिया वे कमली बिछा के कमली वाले ने अपनी रजाई भैन नु बिठा के दसिया वे मेरे उम्मतियो रिश्तियां दे नाल प्यार करिया करो ताल्लुक वालिया दा एहसास करिया करो रिश्तियां दी मुहब्बत दा एहसास दिल विच रखिया करो इन्हां दा एहतराम बजा लिया करो मेरे कमली वाले ने जदों ए मुहब्बत भरिया एहसास भरिया ए अखलाक भरिया तरीका कार वखाया ना अल्लाह दी कसम इत्थे ही बस नहीं इस तो भी अगे भैन दी इज्जत कीती है मेरे आका कहंदे ने 6000 दा 6000 कैदी भी मेरी भैन दे पारों आजाद कर दियो इन्हां नूं आजाद कर दियो 6000 कैदी गज़वाए हुनैन दे ये आजाद कर दिते गए छड़ दिते गए ते जदों आजादी दा पैगाम सुनिया ना इन्हां 6000 कैदियां ने है काफर है मुसलमान नहीं भैन दे पारों काफरां नूं वी छड़ दिता है अपने नहीं भैन दे गाँव दे ने भैन दे इलाके दे ने इसलिए छड़ दिता है इन्हां एहतराम कीता है कमली वाले ने जदों ये मुहब्बत ए अखलाक ए रिश्तियां दा एहसास मुहब्बत जेड़ी है ए प्यार जेड़ा है मेरे आका ने जदों वखाया ना ए काफर भी बोल उठे कलमा पुकार उठे सोनिया अपना मुरीद बना लो ते मुरीदां दी सब विच शामिल फरमा लो पता लगा नफरत मुकदियां ने एहसास मुहब्बत दा रखना चाहिए एहसास रिश्तियां दा रखना चाहिए एक दूजे दी दिल दी अंदर मुहब्बत प्यार रखो एदे नाल मुहब्बत वध दियां ने नफरत दूर होंदियां ने ते मेरे आका फरमांदे ने जदों 3 दिन तो जायद कोई मुसलमान भाई आपस च नाराज रहिंदा है अल्लाह ओदी इबादत भी कबूल नाराजगियां बड़ियां जगह जगह ते ते अल्लाह दे नबी फरमांदे ने अल्लाह उदी इबादत भी कबूल नहीं करते 3 दिन तो ज़ायद किसे नाल नाराजगी ना रखो सुलह कर लवो मेरे आका फरमांदे ने सुलह कर लवो जी अगर नाराजगी वध हो गई है ते अल्लाह इबादत भी कबूल नहीं कर दे ए मैं नहीं कहंदा कमली वाले नबी पाक फरमा रहे ने इत्थे ही बस नहीं आओ तवज्जो करना फैसलाबाद दा एक वाकया सुना के मैं अपनी बात नूं खत्म करा हकीकी मामला बंदा अज भी हयात है मैं खुद भी मिलिया फैसलाबाद दा बंदा है आंदा मैं लाहौर आ गया उत्थे ही कारोबार हो गया रैश भी उत्थे ही हो गई अपनी बीवी बच्चे उत्थे ही ले आया लाहौर के अंदर अल्लाह ने बड़ा कारोबार दे दिता माल बेहिसाब आ गया दौलत वाफर आ गई पर मामला ऐसा हो गया कि बीमारी ऐसी लग गई कि डॉक्टर ने कहा इहदा इलाज ही कोई नहीं इहदा इलाज ही कोई नहीं बस हुण घर चल जा ते खिदमत करवा अपने बच्चियां दे कोलो ते जा अल्लाह अल्लाह कर बड़ा परेशान हो गया ते जो परेशान हुंदा है ना बंदा उदों ही राह आंदा है मस्जिद दे खतीब दा ते मस्कारी दा कि जाइए कारी साहब मैं बड़ा परेशान हाँ मैनू कोई दसो राह मैं उदों ही मस्जिद दा राह आंदा ते कारी ते खतीब दा राह आंदा है आ गया मस्जिद च आन के आंदा है कि कारी साहब मैं बड़ा ही परेशान हाँ इंज इंज दा मामला सारा खुलासा दस दिता
उन्होंने ना आलमे दीन या इमाम अल्लाह पाक उन्हों बनाद पहले उन्हों दनाई देंदा अकल शऊर तालीम तरबियत दे अंदाज सिखाद मालिक ही चुनद कि आ ए इमाम ही तेरा कि उन्हें आके पूछया दसिया उन्होंने ना किया अच्छा एक गल मैनू समझाओ कि तुसी कितों आए कित्थे किस तरह रिश्तेदार भैन भाई वो कह लगा कि 6 साल हो गए ने मैं अपनी बरादरी वालिया नू मिलिया ही नहीं तो मत्थे लगा ही नहीं एक गल उहदे मूँह चों निकल आई तो इमाम ने खतीब ने बात यह नोट कर ली कह लगा यार ए गल बस रुक जा कित्थे ने तेरी बरादरी वाले रिश्तेदार कहिंदा फैसलाबाद दे अंदर मैं तो लाहौर आ गया इत्थे सैटल अपने मामला कारोबार बीवी बच्चे बस पिछे गया ही नहीं ना बरादरी का अता पता लिया ना खैर खबर ली ना खुशी गमी मैं उन्होंने मिलता ही नहीं रहा नाराजगी हाँ अच्छा कह लगे यार वेख तेरा हाल ये हो गया है तो इंज कर अपनी अना छड़ दे अपनी नाराजगी छड़ दे ते जा पिछे बरादरी वालियां दे कोल चला जा बच्चियां नू भी लै जा ते कारोबार भी तेरा अल्लाह इत्थे रखेगा सारा कुछ होएगा ते जा उन्हां नू मिल के आ ते अच्छा एक गल दूजी गल ए तेरी बरादरी विच अगर कोई माड़ा है ते उहदी शादी करवा दे बच्ची दी अगर कोई कमजोर है कारोबार नहीं उन्हूं थोड़ा बोड़ा माड़ा मोटा कारोबार करवा दे उन्हूं कोई इंज करवा दे दीगर मामलात खुलासा ए कलाम है कि रिश्तेदारां दे नालों तू दूर होया ना ते तेरे ते बीमारियां आईयां ने जा उन्हां दे करीब जा उन्हां दे हक हकूक उन्हां दे नाल प्यार कर अल्लाह भी तेरे नाल प्यार करके तेरी बीमारी दूर कर देगा। एक कारी साहब ने खतीब साहब ने इंज बात कर दी मसले की रूह ना वह बंदा चला गया ते जाके उत्थे वेंदा 6 महीने उत्थे रहा फैसलाबाद के अंदर अपनी बरादरी वाले किसी की शादी कराई किसी की छत पवा के दे रहे हैं किसी का लेंटर पवा के दे रहे हैं किसी का कारोबार करा के दे रहे हैं बरादरी वाले इंज खर्च भी करता रहा माल दौलत भी लुटांदा रहा मुहब्बत भी करता रहा बीवी बच्चे भी उत्थे लै गया 6 महीने उत्थे रहा कह लगे 6 महीनों तो बाद ना एवें उधर मानूस हो गया ते किसे ने कहा यार आ ते सही तू जो आना मैं बीमार हाँ ते आ ते चलिए इलाज ते करवाइए गए डॉक्टर को लैके जाके रिपोर्टा करवाइया जेड़िया मर्जा आई जेड़े मामलात पहले वो मशीनरी वेच आ चुके सन अल्लाह की कसमें अल्लाह ने इंज धो दिते इंज साफ कर दिते कि बीमारी रही कोई नहीं बिल्कुल परफेक्ट सारे रिजल्ट सारिया रिपोर्टा सही आईया बड़ा हैरान यार तू आना सा एंज एंज जेती ए तो बिल्कुल ठीक है डॉक्टर ने पूछा वेखो तुहानू गलती ना मशीन ठीक है जेड़ा एक्सरा कीता ठीक है ए रिपोर्ट कीती आ ठीक है अगर किसी होर जगह तो कराइए एक दूजी जगह ते चले गए तसली वास्ते साडे मुआशरे दे अंदर साडे मुल्क दे अंदर बड़िया बड़िया लैबा चले गए उस लबार्टरी दे उस ते दीगर दे रिजल्ट करवाए रिजल्ट सारियां दे इको जे आए खुलासा ए कलाम एवे अल्लाह पाक ने रिश्तेदारां दे नाल मिलन दी वजह तो ओदी शादी करवाई ओदा लेंटर पवाया ओनू कारोबार करवा दिता ए मनूस रिया मुहब्बता करता रिया मिलदा रिया ते रब ने अंदर दियां बीमारियां सारियां खत्म कर दित्तियां। ए कोई हदीस दी गल नहीं मैं गल पहली दसी है फैसलाबाद दा ओ शख्स है अलहमदुल्ला जिंदा हयात है चंद दिन पहला मेरी वो मुलाकात हुई उन्हें वाकया सुनाया अल्लाह की कसम है कि रिश्तेदार दूर होवोगे तो नफरत भी वधनगियां बीमारियां भी वधनगियां प्यारियां दे करीब रहो मुहब्बत के नाल रिश्तियां दे नाल मुहब्बत दे विच मुहब्बत च रवो अल्लाह ये बीमारियां भी दूर कर देंदे ने अल्लाह नफरत भी दूर कर देंदे ने अल्लाह करे मेरे तुहाडे दिल दे अंदर रिश्तियां दा प्यार एहसास मुहब्बत एक दूजे दा एहसास करो ओए एक दूजे दे नाल मुहब्बत करो तुसी उन्हां दे हक अदा करो ओ तुहाडे हक अदा करन अपने हकां दी रट हर एक ने लगाई है पर कदी ये नहीं सोचिया कि मैं दूजियां दे हक अदा कर रहा या कि नहीं कर रहा असी दूजियां दे हक अदा करांगे ते साडा भी हक इंशाअल्लाह साडे कोल आएगा रब साडा हक किसे दे कोल जान नहीं देगा जेड़ा बंदा दूजियां दे हक हकूक देंदा है यकीनन अल्लाह भी उहदा हक उहनू दवा देंदा है और अल्लाह पाक अता कर देंदा है और खुशियां ते नेमतां नाल माला माल
फरमा देंदा है। अकूल को लिहाजा अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल हमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।